हेलो गाइस, आज का वेदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तब सुबह बारिश हो रहे थे, ऐसे तो मुझे बारिश बहुत पसंद है, मगर अभी बारिश रुक गए हैं। तो बारिश रुकने के बाद ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वेदर बहुत अजीब सा लगता है मुझे। कि कैसा बताओ, क्लाउडी है, बारिश नहीं हो रही है, तब ना धूप है ना बारिश है, मुझे ऐसा वेदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सुबह सुबह उठते ही चाय वाय पी के उसके बाद मैं आलू का पराठा बनाई थी। हम दोनों ने आलू का पराठे खाए, बहुत अच्छा बना था आज आलू के पराठे, बहुत ही अच्छा। और उसके बाद अभी मैं तैयार हो रही हूँ बाहर जाने के लिए, तैयार हो रही हूँ नहीं, होने आई हूँ, क्योंकि हम दोनों आज बाहर जा रहे हैं हमारे फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदना है, फ्रेंड्स को देना है, क्योंकि क्रिसमस है और क्रिसमस में तो सबको गिफ्ट देना बनता है ना। तैयार हो जाती हूँ क्योंकि बाहर निकालने के लिए कब बारिश हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। बारिश होने से प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लगता है, मगर थोड़ा सा बाहर जब जा रहे हो, बारिश नहीं हो तो ही अच्छा है। घर में बैठ के आराम से चाय पकौड़ा खाओ तब बारिश बहुत अच्छा लगता है। 10 मिनट्स में मैं मेकअप करूँगी, तो पहले किल्स की हाइड्रो प्लम्पिंग लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, जब आपकी बहुत अच्छा स्मूथ हो जाता है स्किन, तो इसके बाद मेकअप बहुत अच्छा पड़ता है। ये मेरा सबसे फेवरेट कंसीलर है मेबलिन की। वे डैम ब्यूटी ब्लेंडर है। मैंने फाउंडेशन भी लगा लिया है। फाउंडेशन के बाद थोड़ा सा लूज पाउडर लगा लूँगी। लूज पाउडर लगाने से क्या होता है ना, मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाता है एकदम बढ़िया से। अब कंटूर, थोड़ा सा ब्रॉन्जर लगाऊंगी, ज्यादा नहीं क्योंकि हेवी मेकअप तो नहीं है। थोड़ा सा हाइलाइटर, कॉन्टूर थोड़ा सा नोज के साइड में। हाइलाइटर फोटो के ऊपर सेम ब्रॉन्जर को आंखों के ऊपर भी लगा लूंगी। क्यों मैं ब्रॉन्जर में आंखों के ऊपर लगा रही हूँ, क्यों कंसीलर लगाए थे ना, नहीं तो आंखें व्हाइट व्हाइट दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इधर घूम के दिल लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिरर है, कैमरा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मस्कारा लगाने में। और मैं जब वैसे दिनों में मेकअप करती हूँ तो सिंपल मस्कारा ही लगाती हूँ, कुछ आईलाइनर वगैरह लगाते नहीं हूँ। मैंने मस्कारा लगा लिया है, देखिए मेरी आंखों के पत्ते कितने बड़े बड़े हो गए हैं। मैंने मेबलिन का पुशअप एंजल मस्कारा लगाया है, ये बहुत अच्छा मस्कारा है, इसके लिए आईलैश को कर्ल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। बिना आईलैश कर्ल करके इसका जो मतलब आंखों के जो लैश है वो बड़ा बड़ा ऊपर उठ जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। और मेरा आँखों के इधर उधर लग गया है,
वो मैं कुछ देर में निकालूंगी ईयरबड से, अभी निकालूंगी नहीं क्योंकि अभी निकालेंगे तो फैल जाएगा, जैसे सूख जाएगा उसके बाद ईयरबड से निकाल देंगे तो आराम से निकल जाएगा। कोई भी मस्कारा अगर इधर उधर फैल जाए तो आप ईयरबड से कुछ देर के बाद सूखने के बाद ईयरबड से निकाल लीजिएगा, अच्छे से निकल जाएगा, मगर सूखने के पहले नहीं निकालने की ट्राई कीजिएगा तो पूरा फैल जाएगा। और लिपस्टिक लगा लेती हूँ। ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक कलर है, मैक की मेहर। मैं इसको निकाल दूंगी। देखिए कितना अच्छे से निकल गया है, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने ईयरबड्स को लिया और निकाल लिया, उसमें कुछ भी नहीं डाला था मैंने, बस ऐसे निकाल दिया तो निकल गया आराम से। अगर यही मैं ड्राई होने के पहले ही निकलती तो कभी भी नहीं निकलते और पूरा फैल जाता, बहुत ख़राब हो जाता मेरा मेकअप। मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है और मुझे 10 मिनट से टाइम था पूरा मेकअप करने के लिए, मैंने 9 मिनट्स में मेरे मेकअप को कंप्लीट कर लिया और मुझे लग रहा है मैंने बहुत अच्छा मेकअप किया है। गाइस वी आर बैक होम। आज बाहर बहुत ठंडा है, बहुत 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 ठंडा है और टाउन सेंटर इतना सुंदर लग रहा था क्योंकि क्रिसमस लाइटिंग ऑन कर रहे किया है और जिस दिन ऑन किए थे उस दिन मैं सोची थी कि शूट करूँगी मगर उस दिन किसी वजह से जा नहीं पाई और शूट नहीं कर पाई, मगर आज जब मैं गई और देखी मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे लगा क्यों मैं कैमरा लेके नहीं आई कि मैं आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा शूट करूं, क्योंकि कैमरा लेके क्यों नहीं गई आज, सुबह बारिश हो रहा था ना मैंने बोला था, तो लगा कि बाद में अगर फिर से बारिश हुआ तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, बारिश में कैमरा निकल नहीं सकती इसलिए लेके नहीं गई, मगर बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो मुझे लग रहा था क्यों नहीं लेके आई, मैं थोड़ा सा शूट करती। ठीक है कोई बात नहीं, और एक दिन जाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों के लिए शूट करूंगी कि टाउन सेंटर को कितने अच्छे से सजा रखा है और सारे शॉप वगैरह इतना जगमगा रहा है, सारे शॉप में क्रिसमस ट्री लगा रखा है, सब जगह पे क्रिसमस ट्री लगा रखा है, इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आज सब लोग भर भर के शॉपिंग कर रहे हैं, मैंने भी बहुत सारा शॉपिंग किया है आज, मगर जो मैंने शॉपिंग किया है वो मैं कुछ भी आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के लिए शॉपिंग किया है, अगर मैं वो सब अभी दिखा दूंगी उनका सरप्राइज तो उन वो देख लेंगे क्योंकि वो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगी। और इतना अच्छा लग रहा था आज, मतलब बहुत सारे सुंदर सुंदर चीज़ मैंने शॉपिंग किया है मगर दिखा नहीं पाऊंगी, वो मुझे ख़राब लग रहा है थोड़ा सा, शायद आप लोगों को दिखा पाती तो अच्छा रहता। Yes? Please come down. The tea is ready. Oh, tea ready बनी थी, very nice, thank you. राज ने टी बना लिया है, अच्छा है आज मैंने टी बनाऊंगी, आते ही उन्होंने बना लिया टी, और भी कुछ कर रहे हैं मुझे लग रहा है, कुछ साउंड आ रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं। सैटरडे को मैं भेज खाती हूँ इसलिए राज आते ही कुछ भेज थिंग्स गरम किया है क्योंकि वो बाहर
कुछ नॉनवेज खाए थे और मैं नहीं लिया था, तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे बाहर वेजिटेरियन कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है, तो इसलिए आते ही मेरे लिए गरम कर लिया कि मैंने नहीं खाया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मगर उनको थोड़ा सा ऐसा गिल्टी फील हो रहा है कि वो खाए थे, मैं शायद भूखी होंगी, मेरे को नहीं मिला कुछ खाने के लिए, तो इसलिए आते ही वो चाय और मेरे लिए कुछ बनाया है। चाय पीने के बाद टीवी देख रही थी, अचानक क्या हुआ, मैं एकदम छींकने लगी और थोड़ा सा सर्दी जैसा लग रहा है, और उसके बाद सर भी बहुत भारी हो रखा है अभी भी। राज ने बोला डिनर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, सिंपल सा ही बनाऊंगी, सिर्फ आलू की सब्जी और मतलब पराठा बना लूँगी, हो जाएगा। तो अभी डिनर बन गया है मेरा, डिनर करूंगी, उसके बाद एक टैबलेट लेके सो जाऊंगी। ओके गाइस, गुड नाइट। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मैं फिर से मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।